ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है सामने। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली खंडपीठ की सुनवाई कर रही है। अधिवक्ता दुष्यंत दवे याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे हैं। देखिए पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं पोस्ट इंडिया के माध्यम से। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानकारी सबसे पहले दी और सुनवाई फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू हो चुकी है। अधिवक्ता दुष्यंत दवे याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे हैं अपना। पूरा मामला कल का जब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा था और बुलडोजर ने कई अवैध अतिक्रमणों को हटाया भी और उस पर तुरंत रोक लगाई गई जब ये पिटीशन फाइल की गई याचिकाकर्ताओं की ओर से कि अवैध है क्योंकि बिना नोटिस के ये कार्रवाई की जा रही है, इससे कई लोगों को नुकसान होगा और तमाम वो तर्क जो कि अपने पत्र में लिखे गए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसे संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेते हुए निश्चित किया गया कि जल्द ही इसकी सुनवाई की जाएगी, अर्जेंट सुनवाई की जाएगी और कल से लेकर अब तक देखिए 24 घंटे का समय बीता है और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। अधिवक्ता दुष्यंत दवे याचिकाकर्ताओं की ओर से जो बातचीत है वो कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली खंडपीठ की सुनवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, एक बार फिर बता दें जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और आशा यही की जा रही है कि एक फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा जिससे स्थितियां आगे की जो है वो क्लियर हो पाएगी, वो साफ हो पाएगी। तस्वीरें कल की दिखा रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता हुआ बुलडोजर, आसपास कई लोग मौजूद भी हैं, कई लोग इसके पक्ष में भी नजर आए जो कि कहा कि जो रहवासी लोग हैं वो काफी परेशान थे, अतिक्रमण बाहर तक थे, मेन रोड पर थे और यातायात की व्यवस्थाएं भी बहुत ज्यादा इनसे बिगड़ रही थी, या फिर कुछ लोग ऐसे जिनके पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे वो भी वहां पर रह करके अपनी दुकानें या मकान में रह रहे थे। लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से ये कहा गया कि इस तरीके से बिना नोटिस के ये कार्रवाई करना, उनके आशियानों को उजाड़ देना, कहीं ना कहीं उन्हें संकट में ला देता है। अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से संवाददाता गौरव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव देखिए कल जानकारी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने दी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसकी होगी और सबसे पहले आप जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, क्या अभी इसको लेकर आपके पास पूरी अपडेट? गौरव जी मैं बताना चाहूंगा कि एल नागेश्वर राव की पीठ के समक्ष ये सुनवाई चल रही है जिसमें जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो दुष्यंत दवे अधिवक्ता है वो अपनी बात रख रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेमोलिशन है, जो विध्वंस है, जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की गई है वो असंवैधानिक है, वैध नहीं है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये लॉ कहता है कि डेमोलिशन से पहले जो है वो नोटिस देना चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए। तो कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि किस एक्ट में, किस में ये विषय में ये बात है कि पहले नोटिस देना चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने एक्ट 343 का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है। फिलहाल सुनवाई चल रही है, कोई अभी नतीजा नहीं निकला है और ये जो सुनवाई है उसके बाद ही तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरफ जाता है। पूर्व में जब भी अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है तो अपना सख्त रुख एख्तियार किया है और उन्होंने एनक्रोचमेंट को अवैध बताया है। फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं है, बहस चल रही है, आर्गुमेंट रखे जा रहे हैं, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल गौरव आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन सवाल एक ये भी है, चूंकि ऐसे जो मसले आते हैं अमूमन अतिक्रमण से जुड़े हुए या फिर अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई होती है तो क्या ये मसले, अगर पहले की बात करें तो क्या ये मसले लंबे खिंचते हैं, इनमें एक दो बार सुनवाइयां होती है उसके बाद किसी निश्चित फैसले तक पहुंचते हैं कोर्ट, या फिर ऐसे फैसले हैं जिसमें दोनों तरफ से आज ही सुन लिए जाएंगे, दोनों पक्षों को गवाह जो होंगे वो पेश हो जाएंगे? और क्या अभी कुछ ऐसी जानकारी कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि अटका हुआ है काम कहीं अगर आगे बढ़ाना है और कुछ लोग जो है जो पक्ष में है वो मांगे भी कर रहे हैं या फिर विपक्ष में वो भी कह रहे हैं कि अगर नहीं तो मुआवजा दे सरकार? जी मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि खोरी गांव विध्वंस मामला था, गुजरात से जुड़ा हुआ भी एक मामला था एनक्रोचमेंट का और हल्द्वानी उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ मामला था जो सब एनक्रोचमेंट के थे। इन पर लंबी सुनवाई और बहस चली थी, हजारों याचिकाकर्ता पहुंचे थे, सबकी बात सुनी गई। सडन जो है सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देता है, वह दोनों पक्षों को सुनता है, उन विषयों पर उनका जवाब देखता है। एनडीएमसी ने कार्रवाई की है तो किस कानून के तहत की है, एनडीएमसी के लिए सुप्रीम कोर्ट आज नोटिस जारी कर सकता है, उनसे जवाब प्राप्त कर सकता है। वहीं जो याचिकाकर्ता है उनकी बात को भी सुना जाएगा और किस कार्रवाई के तहत वो अपनी बिल्कुल गौरव तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप नजर बनाए रखी।